जा जा पापी कागा झगरू तो पर गिरे गा बजारू का धार जोरा जोरा लगबा पापी रे गसे को जोन किला में सुंदर दुल्हा मिलेगा उसी से मैं शादी तुमको कराऊंगा। बाबा उदाल, मगर पापी झगरू को जिंदा ही न छोड़ो। अभी कहाँ है कागा झगरू, ये तुम बहन बता सकती हो? पारस अखाड़ा पर है। क्या पारस अखाड़ा पर क्या करता है? ये कुश्ती लड़ता है बाबा। कुश्ती लड़ता है, मगर एक बात सुन लो, डराना मत। रत तोहरे मदद में बउआ नारी गौरा है मात घबराना बउआ उदला रया बाबो घबराना नहीं चाचा के बदल बर बउआ आदर सधा पारस अखाड़े के पास वैसे पापी झगरू का सिर काट लेना भाई। क्यों नहीं बहन, हम तुम्हारी मदद में रहूंगी। ठीक है, मदद करना बहन। देवनंदन जंगी महाराज, चलो भैया। चलिए, देर है तो अंधेर है। ठीक है, चलो चलिए। गोतनी। कहो दीदी, क्या बात है? गौरा गई स्नान कर लेके, अभी नहीं आई। हाँ वही तो मैं सोच रही। क्या भाभी? अच्छा आ गई, चलो। अरे बाप रे बाप, ए दीदी कुछ देख रही हो? हाँ मैं भी देख रही हूँ। देखो देखो, क्या इसकी साड़ी फटी हुई है, इसकी चोली फटी हुई है। मैं दोनों गोतनी कही थी कि जाना तो किसी से आंख नहीं लड़ाना, लगता है किसी से आंख लड़ा के आई है कुलबोरनी। देखो इसकी साड़ी फटी हुई है। ये गंगा किनारे में झौवा बहुत है, वो झौवा में साड़ी मैं फिंच के पसारी हूँ। अच्छा, उससे खोच ला के साड़ी फट गई है। आए हाय हाय हाय, झौवा बहुत है। जोगे कुला बोरनी के न कटौनी के न नदी मोर सारी का
चुरा के आई है कुलबोरनी। क्या भाभी? क्या कि मैं कब के दुश्मन हूं कि मुझे मार रही हो? इतना दिल किस लिए? कब के तू समान आई भाभी नार गौरा। फांसी दे देंगे चाहे काट के रख देंगे। ठीक है चलो। आप बोलत लाडो ना लगे थे कहते भैया जी के पास चलो तो जाऊंगी नहीं तो क्या। चलो चलने के लिए मैं तैयार हूं। चलो मलकिनी लकला लकला हाथी मेला में है। अरे चुप रे, तू बोले तो तोरा मुंह फोड़ देबो जाने के ना। अरे तो भीड़ में कोई पूछता ही रहा है बटो है तो नाम ना कहते जब फलना जगह जाए के है तो ना बता देते रास्ता। चलो अरे तू एकरे पछड़े से चल चल। मेरे भाई कहाँ गए? भैया जी अभी तो इस टाइम में बहुत खुशहाली की बात है। क्यों नहीं भैया जी, और खुशी से दोनों भाई रह रहे हैं। प्रणाम हो स्वामी। प्रणाम शुभ आशीर्वाद है महारानी। क्या गंगा स्नान हो गया? हाँ स्वामी जी। खुश रहो बहन गौरा। खुश रहो गौरा। प्रणाम शुभ आशीर्वाद है। खुश रहो। कोई तरह की बात तो नहीं हुआ? नहीं स्वामी जी, कोई बात तो नहीं हुआ। आपको बहन जो है बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है आपकी बहन कुलबोरनी, जो आप लोगों की पगड़ी रखी है। पगड़ी गिरा दे। ये क्या बोल रही है तू? बोलती है तो सबर नहीं है। स्वामी जी मैं आप जहाँ नहाते हैं मैं वहाँ नहाने के लिए दोनों गोतनी बैठ गई और ये चली गई उधर कारी नहाने के लिए। वो भी तो अपना ही घाट है, चाचा जी का घाट है, उसमें क्या दिक्कत हुआ? उधर अगर गई है या नाग सोरी में चारों तरफ गंगा बह रहा है।
हुई है। क्या कहिए ना, ये मेरा बहन जो गौरा है ना, हाँ ये बहुत अच्छी है। भैया जी, हाँ गौरा, एक बात है भैया जी, नगर सोरी में कभी अपने हाथ से आप गौरा को एक चाटी नहीं मारे भैया जी। फिर ये हर के सर हर कंचन बदना के चाह मारे भैया। मुझे गंगा जी में डुबा दीजिए, चाहे अपना हाथ से मुझे दो खंडी कर दीजिए भैया जी। बात समझ गया, उन लोगों के बहुत से मार मारे हैं, तू भी जाओ अपने भवन में रहना, जाओ। मेरे भाई कहाँ गए? भैया जी इस समय में अखाड़ा पे पलटन एकदम मौजूद रहना चाहिए। क्यों नहीं भैया जी? स्वामी तुलसीदास जी एक पाती भी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? खग सियार बोलहि प्रतिकूल, सुनि सुनि होहि भरत मन सूला। खग मतलब काग जिसे बोलना चाहिए दिन में रात्रि में बोलती है, सियार मतलब गीदड़ जिसे बोलना चाहिए रात में दिन में बोलता है। मेरे भाई मैं भी समझ गया आपकी बात का, कि सियार और खग माने
काग, ये दोनों अपना टाइमली नहीं बोल करके कुटाइम बोल रहा है। इसे अशुभ मालूम होता है। तू भी तो जानते हो, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सनजन के बासा, रमत घोबरा भाई सोधारी राय, मत घोबरा मेर भाई नगर सोधारी। कहो चेला, कहाँ पहुँच गए? ये पारस अखाड़ा है। यही पारस अखाड़ा है? हाँ। और यह सब कौन सी हो रहा है? ये कुश्ती हो रहा है। कुश्ती? कुश्ती खेलने से क्या होता है? कुश्ती खेलने से ताकत होता है। ताकत? तो एक हाथ, हम भी खेलेंगे कुश्ती। कुश्ती खेलिएगा? हाँ। मेरा विचार से नहीं खेलिए। नहीं खेलिए? नहीं खेलेंगे। चलिए ठीक है, चलिए जाकर पूछिए। ठीक है, पूछता हूँ। का है ये अखाड़ा? वीर झगरू सिंह का है बाबा। यहाँ कौन कौन रहते हैं?
अभी तो हम हैं और महाराज कागा सिंह हैं। तो जाकर कहो कि बाबा आ गए हैं। अच्छा आप साधु बाबा हैं? साधु बाबा बोल लो जा साधु बाबा। अरे बेहुदा शराब दे देंगे। गुरु महाराज कहो चेला जोरा मजाक करता है भर दरिया तेगा बढ़ा दो। नहीं नहीं ऐसा नहीं कीजिए तो जान जाएगा दुनिया वाला लोग। देवनंदन खा पर सुख गया माँ चंडी को कायर के हमारे गे गर्दन पर तलवार ओगरे चढ़ा देंगे मार चंडी को। देवनंदन अब देर होता है तो अंधेर होता है। ठीक है पूछ लेते हैं। जल्द पूछिए। ए बच्चा। हाँ बाबा। जाओ राजन के कहो कि साधु आ गए हैं। अच्छा ठीक है बाबा अब बैठिए हम अभी कह देते हैं। जल्द जाओ महाराज। कहो। अपने अखाड़े के पास दो मुनि राज आए हैं। क्या मुनि राज आ गए हैं? हाँ महाराज। तो ठीक है चलो संत को दर्शन करना चाहिए। ठीक है महाराज। गौस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? संत सरोवर गंग जला संत सरोवर गंग जला ताहि पखार हुंग सो देहिया निर्मल भय साधु के सत्संग। क्यों नहीं महाराज? चलो मैं दर्शन करूंगा साधु को। चलिए महाराज चलो। जय हो जय हो जय हो। क्यों आए हैं यहाँ तक? आने का कुछ कारण है राजन। क्या कारण है? ये मेरा चेला है एक हाथ कुश्ती खेलना चाहता है। इसे खेलवा दीजिए। हमरा से खेलवा बाबा। इसे खेलिएगा। नहीं अनारी से नहीं खेलूंगा हाथ पैर टूट जाएगा। इसे खेलेंगे। आपका नाम क्या है? कागा सिंह। कागा सिंह आप ही को नाम है? क्यों नहीं कागा सिंह से खेलिएगा। नहीं इन्हीं का नाम कागा है। इन्हीं का नाम कागा है। नाम सुना हम कागा को सिनार जरगा या नरुदलक भाई मोर सिंह जब जरगा या चंडी उदला
लगा तो पहचान लेंगे सब लोग। क्या पहचान जाएंगे? अस्थिर से कुश्ती खेलिए। तो मैं इनसे कुश्ती नहीं खेलेंगे। राजन कहिए महाराज, ये अखाड़ा के गुरु महाराज कौन हैं? हमारे भैया झगड़ू सिंह हैं। तो एक हाथ कुश्ती खिला दीजिए। सिपाही जादर। जाओ भैया जी के बुला करके ले आओ, जो महाराज कागज सिंह बुला रहे हैं। ठीक है महाराज, हम अभी जाते हैं। जाओ महाराज की जय हो। जय हो महाराज। अब अभी छोटे महाराज बुलाए हैं। क्या वीर कागज सिंह बुलाए हैं? जय जो। ठीक है चलो चलिए। शुभ आशीर्वाद है मेरे भाई। यहाँ दो संत आए हैं। क्या संत आए हैं? वो संत कहते हैं एक हाथ कुश्ती खेलेंगे आपके साथ, हम लोगों के साथ कहते हैं नहीं खेलेंगे। बाबा अगर कुश्ती खेलते हैं तो तुम लोगों से नहीं खेलेंगे? नहीं। ठीक है तो बाबा के बुला करके ले आओ।